हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजिट इंडिया माय वे के नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा आवड़ी के पास ही फुल डे पिकनिक स्पॉट में, जहां आप अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या फैमिली किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो डिटेल जानने से पहले को यहाँ के कुछ हाईलाइट्स में नज़र डालते हैं। A few moments later. दोस्तों, जैसा कि चेन्नई में बरसात व सर्दियों का समय ही घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है और इसी समय लोग पिकनिक स्पॉट की तलाश में रहते हैं, तो यह स्पॉट है टाडा वाटरफॉल, जो टाडा नाम के गांव में आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में पड़ता है। चेन्नई आवड़ी से इसकी दूरी लगभग 92 किलोमीटर होने वाली है, जो कि आधे से ज्यादा ट्रैफिक फ्री हाईवे है। इस स्पॉट में एंट्री से पहले आपको आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट से गुजरना होता है, जहां आपकी चेकिंग होती है, जिससे कुछ इलीगल सामान न जाने पाए। इसके बाद यहीं आपको एंट्री पास बनाना होता है, जिसकी पूरी डिटेल आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। इस चेक पोस्ट के पार होते ही आपको नेचुरल और सुंदर नजारे दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ देर के बाद ही आपको अपना व्हीकल पार्क करने के लिए स्पॉट मिल जाएगा, जहां आप व्हीकल पार्क कर सकते हैं। इस समय सुबह के 11 बजे हैं और अभी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहां आने जाने लगे हैं। कुछ पैदल चलने और इस छोटे से पुल को पार करके आप इस जगह पहुंच जाते हैं, जो एक सुंदर सा नेचुरल स्विमिंग पूल की तरह दिखता है। अगर आप फैमिली और छोटे बच्चों के साथ हैं, तो मेरा सजेशन है कि यहीं कोई सही सी जगह देखकर पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी स्पेस भी है, सफिशेंट पानी भी है और अच्छी और कंफर्टेबल जगह भी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस स्पॉट में कुकिंग, कैंपिंग और मद्यपान बिल्कुल ही निषेध है। और अगर आप इस ट्रिप में और एडवेंचर चाहते हैं, तो इस जगह को पार करके कुछ और चलना होगा, जो एक कच्चा रास्ता वह पेड़ पौधों और हरियाली के बीच से होकर गुजरता है। अगर आप आगे जाने के प्लान से आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंफर्टेबल क्लॉथ और शूज पहनकर जरूर आएं, क्योंकि कुछ दूर ट्रैक करने के बाद आपको इस तरीके के पत्थरों के ऊपर से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देख ही सकते हैं, जितना भी आप आगे जाएंगे उतना रास्ता टफ और अनसेफ होता चला जाएगा। लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार जहां सही लगता है वहां रुककर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और नेचुरल वाटर में नहाने का लुत्फ उठाते हैं। जितना हमसे हो सका हम आगे गए, पर बदकिस्मती से हमें कोई वाटरफॉल नहीं दिखा। जो भी पानी था, यही हमने अपनी महफिल सजाई और कुछ देर प्रकृति की गोद में और नेचुरल वाटरफॉल में अपना समय बिताया। शाम होने से पहले हम अपने घर की तरफ को वापस आने लगे, तो जाते जाते मैं आपको देता हूँ तीसरा यूटफुल ट्रिप। अगर आप यहाँ खाने पीने का सामान ला रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ के बंदर दूर से ही खाने को देखकर आपकी तरफ झपटने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको जानकारियाँ पसंद आई हो। तो फिर मिलता हूँ अगले स्पॉट की तरफ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।